उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बाद अब बिहार के गया में भी इनका आतंक फैल गया है। गया के खिजरसराय थाने के मकसूदपुर गांव में भेड़ियों ने अब तक 4 ग्रामीणों को घायल कर दिया है। इसके कारण पिछले कई दिनों से ग्रामीण दहशत में हैं। शाम होते ही लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। लिहाजा आज हम आपको भेड़िये के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये कुत्ते के स्वरूप में जंगली जानवर होते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से भेड़िये को कैनिडाई पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला सदस्य माना जाता है। पहले भेड़िये यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती गई, भेड़ियों का क्षेत्र कम होता चला गया। जेनेटिक स्टडी में पाया गया कि कुत्तों की नस्लें भेड़ियों से ही निकली है। भेड़िया उच्च कोटि का शिकारी जानवर होता है। माना जाता है कि शेर और इंसानों के अलावा भेड़ियों से मुकाबला लेने की किसी भी जीव में हिम्मत नहीं होती। भेड़ियों का स्वभाव ऐसा होता है कि इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। भेड़िये अकेले नहीं होते, अक्सर ये झुंड में चलते हैं। इसकी चाल 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये क्षितिज रूप से 5 मीटर यानी कि 16 फीट तक छलांग लगा सकता है। करीब 20 मिनट तक ये फुर्ती से किसी का भी पीछा कर सकता है। इसका पैर बड़ा और लचीला होता है। कहते हैं अगर भेड़िये के बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो वो पूरे इलाके में तबाही मचा देते हैं। आकार और प्रकार की बात करें तो भेड़ियों के थूथन बड़े होते हैं, कान अधिक गोल और छोटे, पूंछ छोटी और झाड़ीदार होती है। इसका रंग अलग अलग होता है। भेड़ियों के बारे में यह भी जानकारी है कि ये 13 साल तक जीवित रह सकते हैं और करीब 10 साल से अधिक उम्र तक प्रजनन कर सकते हैं। भोजन को लेकर ये हिरण और चूहों पर निर्भर होते हैं। ये अपने झुंड के अन्य सदस्यों को अपना स्थान बताने और दुश्मनों के झुंड को अपने क्षेत्र से भगाने के लिए चिल्लाते हैं। भारत में भेड़ियों की 2 प्रजातियां मिलती हैं, भूरा भेड़िया यानी ग्रे उल्फ और तिब्बती भेड़िया। भेड़ियों से अगर सामना हो जाए तो धीरे धीरे पीछे हटे। भेड़िया अगर हमला करता है तो ध्वनि पैदा करने वाले यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ियों से मुकाबले के लिए भालू स्प्रे या अग्नियास्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये पेड़ों के नीचे घास में आराम करते हैं। अगर इनके झुंड में कोई मादा भेड़िये बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है तो पूरा झुंड किसी मांद में चला जाता है। ऐसे मांद पानी के स्रोत के पास होते हैं। भेड़िये आमतौर पर उद्विलाप, मछली और खरगोश का शिकार करते हैं। वहीं जामुन भी भेड़ियों का प्रिय आहार होता है। ये रोजाना 3 से 4 पाउंड भोजन करते हैं।